जुबैर अली ताबिश ने कहा है कि आईना किस दिन दिखाओगी मुझको, मुझसे किस दिन मिलाओगी मुझको। और अपना कंगन समझ रही हो क्या, अपना कंगन समझ रही हो क्या, और कितना घुमाओगी मुझको। तो मोहतरमा हिनान जुम आपके रूबरू थी, हम मोहतरमा को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। आइए मैं अब उस शायर के हुजूर चलता हूँ जो पेशे से मुदर्रिस है, जो अपनी तालीम के ज़रिए जो हमारे कौम के बच्चों को परवान चढ़ाता है, जो मेमार कौम है, जो अपने इल्म फ़न के ज़रिए हमारे आने वाले मुस्तकबिल की तामीर करता है, और जो अपने ज़ौक और अपने शौक़ के ज़रिए अपने तखय्युलात तस्वुरात और एहसास साथ को लफ्जों का पैरहन देकर गजल के खूबसूरत महल की तामीर करता है। मेरी मुराद है आली जनाब साबिर आफाक साहब से, जो सरजमीन कासूदा से हमारे दरमियान तशरीफ लाए कि दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं, हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं, हमें सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। पुरजोर ताली में इस्तकबाल कीजिए आली जनाब साबिर आफाक साहब। अस्सलाम वालेकुम, सदर मौसूफ से इजाजत के साथ। दोस्तों, थोड़ी देर के लिए आपकी संजीदगी चाहूंगा। गजल का मतला जी, एक मतला एक शेर आपकी खूबसूरत समातों की नजर करने जा रहा हूं। जी आता हूं। मतला समात करें कि अंधेरे रास्तों को जगमगा के भूल जाते हैं, अंधेरे रास्तों को जगमगा के भूल जाते हैं, जो बंदे नेक हैं दीपक जला के भूल जाते हैं। दोस्तों पुरजोर ताली में इस्तकबाल कीजिए इस अजीम शेर का। वाह वाह। अंधेरे रास्तों को जगमगा के भूल जाते हैं, वाह वाह, जो बंदे नेक हैं दीपक जला के भूल जाते हैं, ये मुमकिन है कि ये नेकी उन्हें जन्नत में ले जाए, किसी भूखे को जो खाना खिला के भूल जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। अंधेरे रास्तों को जगमगा के भूल जाते हैं, जो बंदे नेक हैं दीपक जला के भूल है। वाह 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 वाह। यह मुमकिन है कि ये नेकी उन्हें जन्नत में ले जाए, किसी भूखे को जो खाना खिला के भूल जाते हैं। एक मतलब शेर, खुदाए पाक का फजलो करम उसकी अता देखो। थोड़ी देर के लिए आपकी खामोशी संजीदगी से भी आप अगर मुझे सुन लेंगे तो आपकी नवाजिश। खुदाए पाक का फजलो करम उसकी अता देखो, बड़ा है कितना उसकी रहमतों का दायरा देखो। क्या कहने? और खुदा मकबूल हज का अज्र देगा तुमको महशर में, तुम अपनी माँ के चेहरे को मोहब्बत से जरा देखो। वाह 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 वाह। खुदाए पाक का फजलो करम उसकी अता देखो, बड़ा है कितना उसकी रहमतों का दायरा देखो, खुदा मकबूल हज का अज्र देगा तुमको महशर में, तुम अपनी माँ के चेहरे को मोहब्बत से जरा देखो, तुम अपनी माँ के चेहरे को मोहब्बत से जरा देखो, तेरी ये रह गुजर मुझको भटक जाने नहीं देती। तेरी ये रह गुजर मुझको भटक जाने नहीं देती, भटक जाऊं तो मुझको दूर तक जाने नहीं। आहा, क्या कहने? भटक जाऊं तो मुझको दूर तक जाने नहीं देती, और मेरी बेटी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, लेकिन दुपट्टे को कभी सर से सरक जाने नहीं देती। क्या बात है, वाह वाह वाह। मेरी बेटी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, लेकिन दुपट्टे को कभी सर से सरक जाने नहीं देती, दुपट्टे को कभी सर से सरक जाने नहीं देती, और मुझे हालांकि है रंजो अलम लेकिन दुआ माँ की। क्या कहें? मुझे हालांकि है रंजो अलम लेकिन दुआ माँ की,
मेरे चेहरे से खुशियों की चमक जाने नहीं देती। वाह वाह वाह। मुझे हालांकि है रंजो अलम लेकिन दुआ माँ की, मेरे चेहरे से खुशियों की चमक जाने नहीं देती। एक मतलब यह है कि मेरी आवाज में, मेरे फन में रहा, मेरी आवाज में, मेरी आवाज में, मेरे फन में रहा, दर्द बनकर वो मेरे बदन में रहा। क्या कहने। और मेरी खुशियां उसे, उसके गम मुझको दे, मेरी खुशियां उसे, उसके गम मुझको दे, नौ महीने में जिसके बतन में रहा। है वाह 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 वाह। मेरी खुशियां उसे, उसके गम मुझको दे, नौ महीने में जिसके बतन में रहा, नौ महीने में जिसके बतन में रहा। मतलब देखे दोस्तों, अगर आप थोड़ी देर के लिए खामोशी से मुझे सुन लेंगे तो मैं आपका ममनून। दोस्तों इतनी खूबसूरत शायरी हो रही है, उम्दा शायरी हो रही है, इसलिए हमारा अपना फर्ज बनता है कि साबिर आफाक सर को बेहतर तरीके सुना जाए। मतलब देखे दोस्तों, वो दुश्मन ही सही कुछ खुश अदाई ढूंढ ली जाए। क्या कहने। देखो एक हदीस पाक का मफहूम है कि जब हमारे आमाल बिगड़ जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हम पर जालिम और जाबिर हुक्मरान मुसल्लत कर देता है। वो दुश्मन ही सही कुछ खुश अदाई ढूंढ ली जाए, तकाजा है बुराई में भलाई ढूंढ ली जाए। आहा। और है दावा आज भी दुनिया हमारे गीत गाएगी। है दावा, है दावा आज भी दुनिया हमारे गीत गाएगी अगर कालीन के बदले चटाई ढूंढ ली जाए। क्या कहने। वाह वाह वाह। अगर कालीन के बदले चटाई ढूंढ ली जाए, अगर कालीन के बदले चटाई ढूंढ ली जाए। और दोस्तों जैसा कि आज हिंदुस्तान में हमारे मामला, हमारे हालात चल रहे हैं, उसके पस मंजर में एक गजल का एक मतलब और एक शेर देखिए दोस्तों, के जो होगा घर में बूढ़ा उसका तनमन टूट जाएगा। जो होगा घर में बूढ़ा। दोस्तों ये यहाँ से बहुत ज्यादा मुझे शोर की आवाज आ रही है, मुझे थोड़ी देर के लिए मैं आपकी संजीदगी चाहूंगा क्योंकि मैं करीब 100 किलोमीटर दूर से सफर तय कर आप तक हाजिर आया हूँ। थोड़ी देर के लिए मुझे आप संजीदगी से सुन ले। जो होगा घर में बूढ़ा उसका तनमन टूट जाएगा। क्या कहने। जो होगा घर में बूढ़ा उसका तनमन टूट जाएगा, अगर दीवार उठाओगे तो आंगन टूट जाएगा। क्या बात है। अगर दीवार उठाओगे तो आंगन टूट जाएगा। और हमारे आपसी झगड़ों से होता है भला उसका। हमारे आपसी झगड़ों से, हमारे आपसी झगड़ों से होता है भला उसका, अगर हम एक हो जाए तो दुश्मन टूट जाएगा। वाह 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 वाह। हमारे आपसी झगड़ों से होता है भला उसका, अगर हम एक हो जाए, अगर हम एक हो जाए तो दुश्मन टूट जाएगा। अगर हम एक हो जाए तो दुश्मन टूट जाएगा। और अगर हम नारे तकबीर कहकर उठ खड़े हो तो, अगर हम नारे तकबीर कहकर उठ खड़े हो तो अमीरे वक्त तेरा यह सिंहासन टूट जाएगा। वाह 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 वाह। अगर हम नारे तकबीर कहकर उठ खड़े हो तो अमीरे वक्त तेरा ये सिंहासन टूट जाएगा। और हिना अंजुम साहिबा एक गजल पढ़ रही थी, होशियार भी हो सकती हूँ, मुझे मेरी एक गजल का एक मतलब और कुछ शेर याद आया, उसी जमीन में है। मतलब देखे के करने को मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, करने को मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, तेरे दिल पर कब्जा भी कर सकता हूँ। करने को मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, तेरे दिल पर कब्जा भी कर सकता हूँ। आँख मचोली में आँखों पर पट्टी है, आँख मचोली में आँखों पर पट्टी है, मैं तेरा आंचल मैला भी कर सकता हूँ। वाह 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 वाह। आँख मचोली में आँखों पर पट्टी है, वाह वाह, मैं तेरा आंचल मैला भी कर सकता हूँ। और मुझको ऐसा करने में आता है मजा, मुझको ऐसा करने में आता है मजा, प्यार में थोड़ा झगड़ा भी कर सकता हूँ। मुझको ऐसा करने में आता है मजा, प्यार में थोड़ा झगड़ा भी कर सकता हूँ। तेरा चेहरा दौड़ में अव्वल आएगा,
क्या बात है, तेरा चेहरा दौड़ में अव्वल आएगा, मैं नजरों का पीछा भी कर सकता हूँ। तेरा चेहरा दौड़ में अव्वल आएगा, क्या बात है, मैं नजरों का पीछा भी कर सकता हूँ। तेरा भरोसा रोकता है मुझको वरना, तेरा भरोसा रोकता है मुझको वरना, तेरे साथ में धोखा भी कर। अरे क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। तेरा भरोसा रोकता है मुझको वरना, वाह 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 वाह। तेरे साथ मैं धोखा भी कर सकता हूँ, तेरे साथ मैं धोखा भी कर सकता हूँ। और दोस्तों अभी नेट बहुत सस्ता कर दिया है जियो ने, जियो एक कंपनी है, बहुत नेट सस्ता कर दिया इस कंपनी ने। मैं शेर हाजिर कर रहा हूँ कि तेरा भरोसा रोकता है मुझको वरना, तेरे साथ मैं धोखा भी कर सकता हूँ। नेट चलाकर आधी रात गए तक मैं, क्या कहना, नेट चलाकर आधी रात गए तक मैं, तेरे गम को आधा भी कर सकता हूँ। वाह 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 वाह। नेट चलाकर आधी रात गए तक मैं, तेरे गम को आधा भी कर सकता हूँ। और जो मुझको कमजोर समझता है आफाक, जो मुझको कमजोर समझता है आफाक, जो मुझको कमजोर समझता है आफाक, उसका काम मैं पूरा भी कर सकता हूँ। बहुत खूब बहुत। एक गजल की फरमाइश है, फिर उसके बाद इजाजत। बहुत शुक्रिया दोस्तों। गजल का मतलब मैं हाजिर कर रहा हूँ, वही वही चाय वाला मैं हाजिर कर रहा हूँ। कुछ शोरा कुछ फरमाइश है, एक गुजारिश है मौद्दबाना के इख्तिसार से काम ले, फहरिस्त बहुत तवील है। एक गजल का मतलब हाजिर कर रहा हूँ कि उस सितमगर में डाल दी मैंने, क्या कहने, उस सितमगर में डाल दी मैंने, जान पत्थर में डाल दी मैंने। वाह। उस सितमगर में डाल दी मैंने, जान पत्थर में डाल दी मैंने, माह भर की कमाई जोड़ी और, माह भर की कमाई जोड़ी और उसके जेवर में डाल दी मैंने। क्या बात। उसके जेवर में डाल दी मैंने। और ये शेर जिसके लिए मुझे इस गजल का हुक्म हुआ है बिलखुसूस, अरे भाई दो मिनट के लिए जरा मेरे इस शेर को सुन लेगा तो बड़ी नवाजिश होंगी तेरी। मैं गजल का शेर हाजिर कर रहा हूं आपके हुजूर। चाय बहुत ज्यादा पीते हैं मालेगांव के लोग, चाय पीते हैं ना, मेरा शेर सुनिए, मेरा शेर सुनिए, चाय पीते हो तो मेरा शेर सुनिए। उस सितमगर में डाल दी मैंने, जान पत्थर में डाल दी मैंने, शेर हाजिर कर रहा हूं, कप में गर्मी दिखा रही थी बहुत, कप में गर्मी दिखा रही थी बहुत, चाय सासर में डाल दी मैंने। कप में गर्मी दिखा रही थी बहुत, चाय सासर में डाल दी मैंने। एक किरदार मारकर आफाक, एक किरदार मारकर आफाक, जान पिक्चर में डाल दी मैंने।